विदिशा जिले के सिरोंज में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव विनोद सेन के नेतृत्व में आज छतरी नाका चौराहे पर स्थित राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाया गया, क्योंकि कल गोडसे की विचारधारा के लोगों ने गांधी प्रतिमा को अशुद्ध कर दिया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विनोद सेन ने इस अवसर पर कहा कि भाजपा पूरे देश में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने का ढोंग कर रही है। भाजपा संघ जो गोडसे विचारधारा के लोगों ने ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की थी और आप अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, जबकि इन लोगों का महात्मा गांधी और गांधी विचारधारा से कोई सरोकार नहीं है। यह लोग वो है जो महात्मा गांधी की हत्या में शामिल सावरकर के भारत रत्न देने की बात करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए महात्मा गांधी का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं विचारधारा है, जो कि संपूर्ण विश्व जिस गांधी विचारधारा के आगे नतमस्तक है यह उस विचारधारा का लाभ लेना चाहते हैं। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। कल गोडसे की विचारधारा ने हमारे गांधी जी को अपवित कर दिया था। गोडसे की विचारधारा ने गांधी जी को मारा था। गांधी जी को नहीं मारा, गांधी विचारधारा को मारी। पूरे हिंदुस्तान में गांधी जी की विचारधारा को मार रही है गोडसे की विचारधारा। भाजपा के और RSS के लोगों ने कल हमारे गांधी जी को अपवित कर दिया था, इसलिए हमने गंगा जल से स्नान करा है, गांधी जी को पवित्र किया है। एक चीज और कल देखने को आई, स्टेज पे गांधी जी की जो है यात्रा तो निकाली गई, मगर गांधी जी की वहाँ ना कोई फोटो थी ना कोई प्रतिमा थी, ये तो क्या कारण है? उनको गांधी जी से कोई मतलब नहीं है। गांधी जी की विचारधारा पूरे इधर विश्व में है, उसको मारना चाहते हैं जय गौर से विचारधारा वाले। उन्हें कोई गांधी जी से सरोकार नहीं है। गांधी जी का नाम आगे रख के खुद की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।